बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रेड 3। एज़ यू नो दैट वी आर डूइंग यूनिट नंबर 6, स्वीडिश पार्टी। वी डिड डिक्टेशन वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग एंड सम ऑब्जेक्टिव पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ फनिक्स फोकस। रीड द गिवन सेंटेंसेस, लुक एट द वर्ड्स अंडरलाइंड। I put the ball in my cupboard. I gave a little boy a pat on the head. Put is a word with a short vowel and pat is the word with a changed vowel sound. You can say that it's a short and long vowels. ये हम क्या करेंगे कि हमारा सारा word एक ही तरह करेगा, लेकिन उसमें से सिर्फ एक vowel को change करके हम उन वर्ड की साउंड को चेंज कर देंगे। लाइक हियर, मेक अ न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग अ वाउल साउंड। बिट, सैट, बिल, फेस्ट, वॉल। वी विल राइट डाउन हियर लाइक नाउ। बिट, बैट, सैट इज हियर सो सेट, बिल, बॉल, फेस्ट, फास्ट, वॉल एंड देन विल। Like you have to read this in the box. A minimal pair are two words that differ in only one sound, which can be a vowel or consonant, both. Like can, van, ring, rang. क्या कह रहे हैं वो कि दो वर्ड्स जो बिल्कुल सेम लिखे जाएं स्पेलिंग्स में, लेकिन उसके अंदर हम एक लेटर को चेंज करके उसके साउंड को डिफरेंट कर दें। वो लेटर वाउल भी हो सकता है, वो लेटर कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। हियर we read some words: bit, bat, sit, sat, bill, ball, fist, fast, will, wall. So here you have to find out some more words like this and write these on your notebook and then learn about to change a vowel sounds or a consonant sounds. Thank you.